Hi, hello, namaste, pranam, sasikal, salam alaikum. Welcome back to the channel. आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉक इन पीरियड के बारे में. What is a lock in period? How long should it be? Lock in important क्यों होता है? This is a little segment that I call 2 minute tuitions. If you have any questions regarding Mumbai real estate, please write it down in the comment section below and I will try to answer it. Consider subscribing. If you like this video, then give it a thumbs up. अगर आपके कोई दोस्त को ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे तो उसके साथ शेयर कर लेना. जस्ट प्रेस दैट बटन डाउन देयर. माय नेम इज रवि केवल रमानी एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. योर 2 मिनट स्टार्ट्स. पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज अ लॉक इन पीरियड? ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी जगह को वेकेट नहीं कर सकते भाड़े पे एंड लैंडलॉर्ड आपको उस जगह से निकाल नहीं सकता है. पॉइंट नंबर 2, लॉक इन पीरियड कितना लंबा होना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली लॉक इन पीरियड 6 महीने से 2 साल तक का होता है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लॉक इन पीरियड ऑन एन एवरेज 1 साल से पूरे 5 साल लीव एंड लाइसेंस के टेन्योर पे होता है. कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लॉन्गर लॉक इन पीरियड प्रिफर करते हैं क्योंकि बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगता है. 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगता है बिजनेस सेटअप करने के लिए. प्लस ऑफिसेज या शॉप्स जो रहते हैं किसी को शिफ्ट करने को पसंद नहीं, अच्छा लगता है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, वर्किंग बैचलर्स होते हैं या स्पिंस्टर्स होते हैं. नॉर्मली बैचलर्स स्पिंस्टर्स दे कीप अ लॉक इन पीरियड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे डोंट नो हाउ लॉन्ग देयर जॉब इज गोइंग टू लास्ट. और वो लोग की पढ़ाई शायद 1 साल की रहेगी या 2 साल की रहेगी, तो दे मूव अ लॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. फैमिलीज ऑन दी अदर हैंड दे डोंट लाइक टू अपरूट देयर एंटायर फैमिली और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना आसान नहीं है. मूविंग इज ऑलवेज अ पेन. दैट इज व्हाई फैमिलीज प्रिफर टू डू अ 1 ईयर और अ 2 ईयर और अ 3 ईयर लॉक इन. प्लस फैमिलीज में बच्चे की एजुकेशन भी होती है. पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन अपार्टमेंट टू अनदर अपार्टमेंट बिकॉज दे वांट टू बी क्लोजर टू देयर स्कूल, टू देयर ऑफिस. उसके रीजन की वजह से फैमिलीज टेंड टू हैव अ लॉन्गर लॉक इन पीरियड एज कम्पेयर टू बैचलर्स इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज. पॉइंट नंबर 3, Why is the lock-in period so important? It gives safety to both the parties, the tenant as well as the landlord. Landlord को पता है कि ये tenant property छोड़ के नहीं जाएगा जल्दी. वो घर को painting करते हैं, commissions करते हैं, घर का improvements करते हैं, तो उसमें पैसे खर्चे होते हैं. So landlord knows कि अगर मैं इतना खर्चा करने वाला हूँ, the tenant is going to stay there for a longer period of time. For the tenant, it is safety कि landlord मेरे को जल्दी निकालेगा नहीं है घर से. अगर उनको कोई भाड़े में कोई 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने वाला है तो वो उनको नोटिस देके निकालेगा नहीं घर से. पॉइंट नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रेक इन अ लॉक इन पीरियड? ये कभी करना मत. हमेशा ट्राई करना अगर लॉक इन पीरियड आप नहीं ब्रेक करें तो. पेनल्टीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई इफ यू ब्रेक द लॉक इन पीरियड फॉर द टेनेंट एज वेल एज फॉर द लैंडलॉर्ड. अगर आप लॉक इन पीरियड में प्रॉपर्टी छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी एज अ टेनेंट आपको बैलेंस अमाउंट का रेंट देना पड़ता है फॉर द एंटायर लॉक इन पीरियड. If you cannot pay the balance period of the lock-in period, then you land up forfeiting your deposit. या तो फिर आपको landlord को एक दूसरा tenant लाके ढूंढ के देना पड़ेगा. तो breaking a lock-in period for the tenant is always an expensive affair. The same is also true for the owner. अगर property owner ने आपको बोला कि आप vacate करो और आपका lock-in period चल रहा है, तो property owner should reimburse you for all the expenses of moving to another place. Plus आपको इतना भी बोलना पड़ेगा landlord को कि मेरा जो बाकी का lock-in period है मेरे को reimburse करके दीजिए. Landlords normally करते नहीं है लॉक इन ब्रेक करते नहीं है because they know they can wait it out. उनको क्या है तो वैसे भी रेंट मिली है. अब जब भी डिसाइड करेंगे आपको लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए, मेक इट अ स्वीट स्पॉट, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा. कंसिडर दैट व्हेन यू आर साइनिंग द एग्रीमेंट. अगर आपने कभी लॉक इन पीरियड ब्रेक किया है एंड इफ द लैंडलॉर्ड वाज कोऑपरेटिव और नॉट कोऑपरेटिव, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट फॉर 2 मिनट ट्यूशंस टुडे. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टेक केयर.